जिंदगी में चाहिए भाइयों के साथ कस्टम हो तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, आगे भी जो है बढ़े रहना। तो आप लोग तो यार फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स में देखा ही होगा, जो बैकग्राउंड पे एक बात वगैरह होता है और जो कार या दौड़ के जाता है उसमें यार जो कलर होता है ना यार बहुत अच्छा लगता है गेम पे। तो वो कलर ना यार बहुत आसान है। तो आप लोग प्रीव्यू में देखा ही होगा किस तरह का कलर होने वाला है। तो वो कलर यार बहुत आसान है, आप लोग एक बार में ही समझ जाओगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना, और वीडियो को एक भी पार्ट मिस कर दोगे तो आपको यार समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यार वीडियो को केयरफुली फुल एंड तक वॉच करो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे लोग वीडियो को एक साथ लाइक कर दो, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो वीडियो को बिना देर के चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर में आके स्क्रीन रोटेशन ये सर्च करके ये वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोगों को ओपन करके जो परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना। तो सो ये परमिशन अलाउ होने के बाद जो स्टार्ट सर्वर है इसके ऊपर इसको ऑन कर देना। उसके बाद आपका जो गेम है उसको ओपन कर लेना, और आपको पहले ही वीडियो को बना के रखना होगा। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, वीडियो में जाकर इस तरह से मैं जैसे रिकॉर्ड करता हूँ इस तरह से आप लोग रिकॉर्ड कर लेना। तो मैं BMW जो कार है ना इस कार से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा तरह, ये देखो। तो आप लोग भी ये कर लेना। तो सब इसके बाद मैं कैपकट को ओपन करता हूँ, जो उस वीडियो को मैं लूँगा उस वीडियो को ले लेता हूँ, ये देखो ये वीडियो। तो मैं इसको पहले कट कुट कर लेता हूँ जहाँ से मैं वीडियो शुरू करूँगा, यहाँ से वीडियो शुरू करूँगा। तो इसमें एक स्प्लिट लगा के बाकी इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो जाने के बाद मैं इसका जो 9:16 है जो रील्स का साइज है मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से। तो आप लोग भी 9:16 रख के इस तरह से मेरा तरह एकदम क्रॉप कर लेना। तो इसके बाद मैं दोनों उंगलियों से इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ साइज को। तो ये देखो ये हो गया मेरा। अभी किन क्या करना है, अभी आप लोग को एडजस्ट में आना है। एडजस्ट में आने के बाद मैं जिस तरह से एडजस्ट करूँ उसको इस तरह से करना। तो आप लोग ब्लैकनेस को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा एकदम नाम का जैसा ही थोड़ा सा बढ़ा देना। और कॉन्ट्रेस्ट को भी आप लोग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना, मैं जितना रखता हूँ उतना रखना 9:10 के आसपास। और जो शार्पिन है उसको आप लोग को फुल कर देना है। और ETL में आने के बाद आप लोग को क्या करना है, तो मैं जो मेरा कार वगैरह का कलर है उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और जो आसमान का कलर है को एकदम जीरो कर देता हूँ, क्योंकि जो आसमान का स्काई का कलर होगा वो एकदम जो गोरे कलर का होगा, काला टाइप। तो मैं मेरा तरह आप लोग कर लेना। तो ये हो जाने के बाद इसको राइट कर दो, और आप लोग को एक VPN कनेक्ट कर लेना है। मैं ट्राइबो VPN कनेक्ट करता हूँ, आप लोग जो भी मर्जी वो कर लेना। उसके बाद आप लोग क्या करना है, फ़िल्टर्स में आ जाना है। फ़िल्टर्स में आने के बाद आप लोग को एक फ़िल्टर सर्च करना है, देखना है। मैं जो फ़िल्टर लेता हूँ ये वाला जो ब्लैक गोल्ड वाला फ़िल्टर है इसको ले लेना है। तो इसको लेने के बाद इसका जो साइज है इसको थोड़ा बढ़ा देना। तो मैं जितना रखता हूँ उतना रखना, एकदम 100 नहीं इसका आसपास ही रखना। तो ये देखो ये इस तरह से होगा। तो ये हो जाने के बाद आप लोग क्या करना है, फिर से आप लोग को एडजस्ट में आना है, और अभी आप लोग को कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा बढ़ा देना है। मैं वीडियो का साइज और जो शार्पनेस इसको फुल मत करना, तो मैं जितना रखता हूँ उतना रखना, 75 इतना रखना। और एक्सपोजर को आप लोग को थोड़ा बढ़ा देना है 7 के आसपास। और ETL में आने के बाद आप लोग को जो रेड वाला जो कार का कलर है मैं उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये देखो मेरा तरह आप लोग करना। और जो येलो है उसको भी थोड़ा बढ़ा देना। तो येलो कलर को बढ़ा देने से क्या होगा, जो पेड़ पौधे का कलर है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा, दिखने में अच्छा होगा। तो मेरा जैसा आप लोग कर लेना, जो कलर में कर रहे हो वही करना। तो ये देखो अभी ये सही लग रहा है, कितना सुंदर। तो ये हो जाने के बाद आप लोग क्या करना है, एक इफेक्ट देना। तो अभी आप लोग इफेक्ट में चले आओ, वीडियो इफेक्ट में आ जाओ। तो ये आप लोग को क्या करना है, लाइट इफेक्ट में आ जाना है। तो एकदम आप लोग पास में लेके जाओ, ये देखो पास में ये लाइट इफेक्ट। तो लाइट इफेक्ट को लेने के बाद आप लोग क्या करना है, और एक इफेक्ट देना है जो डायनेमिक ग्लो एक इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट आप लोग को देना है। इससे क्या होगा, जो आपका जो वीडियो का क्वालिटी है ना उसमें आप लोग को एक ग्लो टाइप आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। तो इसको एडजस्ट में आ जाओ, और एडजस्ट में आ जाने के बाद मैं जिस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग कर लेना। नंबर को आप लोग देख लेना तो अच्छा लगेगा, तो आप लोग समझ जाओगे। तो मैं ज़्यादा बार बोल नहीं सकता। तो ये देखो ये हो गया अभी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, तो
तो ये मैं ठीक से देख लेता हूँ कहाँ पर ठीक है। हाँ अभी ये ठीक है। तो अभी आप लोग को और एक इफेक्ट को देना है जिसका नाम तो मैं थोड़ा आप लोग ले जाना, तो सनसेट वन है ना, इसको आप लोग को दे देना है। तो इसको भी आप लोग फुल एंड तक ले जाओ जहाँ जितना आप लोग वीडियो है। इसको आप लोग क्या करना है, मेरा तरह ही करना, जो ये एटमोसफेयर है इसको थोड़ा बढ़ाओ और जो स्पीड है इसको फुल कर दो। तो मेरा तरह आप लोग कर लेना। तो अभी देखो यार कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। अभी आप लोग एडजस्ट में जाओ और एडजस्ट में जाने के बाद आप लोग को अभी जो ब्लैकनेस है इसको थोड़ा बढ़ाओ। तो अभी जो काला काला लग रहा है इसको हटाना है, इसलिए जो कॉन्ट्रास्ट है इसको भी थोड़ा बढ़ाओ। सैचुरेशन को आप लोग को थोड़ा बढ़ाना है, माइनस मत करना। तो मैं देख लेता हूँ ठीक ठाक होगा। तो इसको भी 7-8 के पास ले जाओ, मैं 5 कर देता हूँ ठीक है। तो एक्सपोजर को भी आप लोग को थोड़ा बढ़ा देना है, ज़्यादा मत बढ़ाना अभी ये ठीक है। तो चलो ये देखो अभी यार कितना सुंदर लग रहा है, मेरा थोड़ा लैग वगैरह हो रहा है तो कोई बात नहीं। अभी आप लोग क्या करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए आप लोग को एकदम ऊपर वाले में क्लिक करके इस वाले वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। तो जल्दी से एक्सपोर्ट कर लो। उसके बाद आप लोग को एलाइट मोशन ऐप की ऐप को आप लोग ओपन कर लेना है और इसको 9:16 करके ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके प्लस में क्लिक करके मीडिया में जाओ और जिस वाले वीडियो को आप लोग एक्सपोर्ट करा था उसको लेके आओ। तो ये वाला है मेरा वीडियो। अभी आप लोग वीडियो के ऊपर क्लिक करो, वीडियो के ऊपर क्लिक करके बाद इफेक्ट के ऊपर क्लिक करो, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करो और अभी आप लोग ब्लर के ऊपर क्लिक करके जो ऊपर वाले में गोल वाला ब्लर है ना इसको आप लोग ले लो। तो मैं देखो इसको लेने के बाद आप लोग को स्टार्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देना। तो ये देखो यार मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ऐसा ही करना। तो पहले आप लोग को क्या करना है, थोड़ा बढ़ा देना है। तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और एंगल को भी थोड़ा बढ़ा देना, मेरा तरह एकदम सेम कर लेना। और सेंटेज को भी थोड़ा बढ़ा देना, एक कीफिंग देके एकदम लास्ट में नहीं, जो चार पाँच सेकंड के उतना आसपास आप लोगों को एक कीफिंग देना है। तो अभी देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो अभी आप लोगों को और एक काम करना है। तो अभी आप लोगों को जो ब्लर नहीं जो व्हाइट जैसा गोल गोल आता है उसको देना है। तो ऐड इफेक्ट में जाओ फिर से, अभी आप लोग इसमें सर्च करो जो क्या यार मैं जो सर्च करता हूँ सिंपल क्या है मेरे को ठीक से याद नहीं है, सिंपल सर्च करना तो आ जाएगा। तो ये देखो यार सिंपल, हाँ ये वाला इफेक्ट आप लोग को ले लेना है। तो इसको आप लोग क्लिक करो, स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। तो क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, जो अमाउंट है उसको आप लोग थोड़ा बढ़ा दो, ज़्यादा नहीं थोड़ा बढ़ा दो, मेरा टाइप करना आप लोग मैं जिसने रख लो उतना बढ़ा देना। और जो साइज है इसको भी थोड़ा बढ़ा दो, और जो फीचर है इसको भी आप लोग थोड़ा बढ़ा देना है, जो फीचर है इसको भी आप लोग थोड़ा बढ़ा देना। इससे आपको ब्लड टाइप आएगा, जो आप लोग जो गोल गोल है ना वाइट जो ब्लड टाइप का आएगा या तो। और जो अमाउंट है मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ या वो ज़्यादा हो गया था। तो ये हो जाने का अभी आप लोग क्या करना है, पोजिशन में आ जाना है। पोजिशन में आ जाने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम दे दो और एकदम लास्ट में आप लोग को और एक की फ्रेम देना है यहाँ टाइप। आप लोग को एक की फ्रेम देने के बाद आप लोग को इसको थोड़ा जो आगे टाइप ले जाना है, इससे जो आपका जो गोल गोल ब्लर है ना इस ये मूवमेंट हो गया होगा और एकदम आगे टाइप। ये देखो मेरा तरह, तो ये मेरा तो लैग टाइप हो रहा है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखो ये हो गया अभी। तो अभी आप लोग क्या करना है, ऊपर वाले में क्लिक करना है, वीडियो में जाओ और जो है ना इसको आप सब फुल कर दो एकदम मेरा तरह सब फुल करके, ये जो 1080 करके इसको एक्सपोर्ट कर दो। और ये हो जाने के बाद आपका एकदम वीडियो फुल रेडी हो गया। तो वीडियो अभी जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना इस तरह के से न्यू वीडियो पाने के लिए। और अगले वीडियो के लिए वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।